हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग फ्लेंट एन के होप आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज सो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो दैट ऑन फर्स्ट अप्रैल 2023 ट्वेंटी थ्री आई बी पी एस विल रिलीज रिजल्ट फॉर आई बी पी क्लर्क एंड आई बी एंड इस वीडियो में हम रिजल्ट डे के बारे में ही बात करेंगे थोड़ा सा पॉजिटिविटी से देखने की कोशिश करेंगे जो भी चल रहा है ठीक है आई नो बहुत स्ट्रेस हो रहा है और जिनका एक अप्रैल को रिजल्ट आना है उनको तो आई अंडरस्टैंड आई कैन टोटली रिलेट कि आप लोगों से पिछले दो तीन दिन से अच्छे से पढ़ा नहीं गया होगा मैं समझ सकती हूँ ऐसा होता है इट इज़ नेचुरल लेकिन ये है कि अभी बस कल का दिन ही बाकी बचा है परसों साढ़े दस बजे तक तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ है ठीक है बाकी मैं ये विश करती हूँ ऑल दी वेरी बेस्ट आप सबको आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जैसे कि आपको पता चल रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वैकेंसीज को इनक्रीज़ किया है और पीछे अभी आया था ना कि मतलब कैनरा बैंक ने जो अपनी वैकेंसीज को विदड्रॉल कर लिया उसके बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुछ ऑफिशियल था या नहीं था इसके बारे में अभी पता नहीं है या अभी तक आप किसी को भी नहीं पता तो आप होप करो शायद हो सकता है वो गलत ही हो जाए ठीक है जो उन्होंने बोला था ना शायद पंद्रह सौ के आसपास उन्होंने वैकेंसीज जो थी विदड्रॉल करी थी हो सकता है वो चीज़ गलत हो ठीक है बाकी इस बार नो डाउट वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं आपकी टेन थाउजेंड तक तो पीओ की वैकेंसीज हैं ठीक है क्लरिकल में भी बारह तेरह हज़ार तक वैकेंसीज होनी चाहिए ठीक है तो बाकी जैसे जैसे आपकी वैकेंसी आपकी स्टेट में जैसे भी जिस भी हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है जो डिक्रीज़ हो रही है उसी हिसाब से आपका कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज होना तय है तो इसलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादातर क्या है कि आपको मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है क्योंकि अभी तो एक ही दिन की बात रह गई है लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं इस बार फिफ्टी परसेंट चांसेज हैं आपकी सिलेक्शन के लाइक like अगर दस हज़ार बच्चे मेंस दे के आए हैं एग्जांपल के तौर पे तो पाँच हजार बच्चों का सिलेक्शन होना मतलब पॉसिबल है क्योंकि फिफ्टी परसेंट हैं इस बार सिलेक्शन के तो आपको बहुत मतलब पॉजिटिव होप लेके चलना है ठीक है और बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इस टाइम पे ना आई अंडरस्टैंड पढ़ा तो किसी से जाएगा नहीं लेकिन आप क्या कर सकते हो आप थोड़ा सा ना अपने जो रिलीजियस माइंडसेट को जगाओ आप थोड़ी सी अपनी जिस भी गॉड में आपका विश्वास है उनका ध्यान धरो उनसे मतलब प्रार्थना करो कि जो भी मैंने मेहनत करी है प्लीज़ उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से दें वो तो आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है ठीक है सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है जिन्होंने मेहनत किया है ठीक है तो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री